आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फेंकी गई सागवान की अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वाला वाहन करीब 2.5 महीने बाद जब्त किया गया। मुख्य वन संरक्षक उज्जैन श्रीमती कमोलिका मेहता, वन मंडल अधिकारी देवास श्री PN मिश्रा के निर्देशन व उप वन मंडल अधिकारी कन्नौत की सूचना पर परिक्षेत्र काटाफोड़ के कक्ष क्रमांक 449 में से दिनांक 21 नवंबर 2021 की रात्रि में सागौन के 8 वृक्षों को काटकर उनके टुकड़े कर वाहन क्रमांक MP09GH6518 में परिवहन कर ले जा रहा था, जिसे काटापुर पुलिस ने रोककर चालान बनाया था। रात्रि को वाहन चालक व अन्य सह आरोपी सागौन के टुकड़े को परिक्षेत्र पानीगांव के थुरिया के पास जंगल में फेंक कर वाहन को लेकर भाग गए थे। इस घटना का परिक्षेत्र काटाफोड़ में वन अपराध क्रमांक 335/14 दिनांक 21/11/2021 को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2641 में दर्ज किया गया था। फेंकी गई सागौन कास्ट को पूर्व में परिक्षेत्र पानीगांव से जब्त कर लिया गया था। भागे वाहन को ढूंढने के प्रयास लगातार किए जा रहे थे। आज उप वन मंडल अधिकारी कन्नौत की सूचना एवं निशानदेही पर संदल पुल में पुष्पदीप के ढाबे के पास से विधिवत जब्त कर थाना खाते गांव में सूचना दी गई। लटजर की कार्यवाही में स्वयं रेंज ऑफिसर काटावोर ऋतु चौधरी, वन रक्षक प्रकाश परमार, अनिल सितोलिया, विजय सोनी, दिनेश कुशवाहा, खातेगांव रेंज के डिप्टी रेंजर मान सिंह, शुगर सिंह राजपूत, गोविंद व्यास, वन रक्षक गौरान तिवारी, ब्रजेश पावर सम्मिलित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र नवाचार, देवास।